कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा नेताओं का देश की आज़ादी में कोई योगदान न होने के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने समर्थन किया है और कहा है कि भाजपा का देश की आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं है। कांग्रेस ने देश को आज़ाद करवाया और देश के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपके बयान का समर्थन करता हूं। आप ये बताइए कौन सा योगदान आज़ादी में भारतीय जनता पार्टी 203 लोगों का जो उनके पूर्वज थे, एक आदमी बताए जिसका योगदान रहा है। और मैं किसी पे आक्षेप नहीं करना चाहता, ये वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। इनके वो नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके खिलाफ कोर्ट में जाके जो है गवाहियां दी थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों का इस देश की आज़ादी, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर लिखे पत्र पर राठौर ने पलटवार किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में देश भर में राहुल गांधी के साथ लोग काफी तादाद में जुड़ रहे हैं और यह यात्रा काफी सफल हो रही है, जिससे भाजपा घबरा गई है और इस यात्रा को रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्यों में चुनाव हुए तो उस समय कोरोना नजर नहीं आया और जब राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये केंद्र सरकार की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ही प्रयास किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की जो ये पद यात्रा है वो बिल्कुल सफल हो रही है। जिस ढंग से समाज के हर वर्ग के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो घबराई है, इनकी चूल्हे हिल रही है। इस तरह का बयान इसलिए दिया जा रहा है। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में अभी भी सरकार है, जब कोविड फैला था उस वक्त बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई जिसमें प्रधानमंत्री इनके बड़े बड़े नेता शामिल हुए, चुनाव हुए, उस वक्त कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। आज ये आक्षेप हम पे लगा रहे तो मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया इसलिए हो रही है कि ये राहुल गांधी जी की पदयात्रा को रोकना चाहते हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।